महात्मा विदुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने हर्ष को, खुशी को पीकर हजम कर जाता है, हुल्लड़ नहीं मचाता, और जो अंदर उठे हुए क्रोध को शमन कर लेता है, वह व्यक्ति राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है, उसे सफलता निष्कंटक मिलती है, कोई बात नहीं। इसलिए खुशियों को भी हजम करना सीखो। यो न सन्नियच्छति बेगम क्रोधः उत्थितम हर्षयो सा श्रियो राजनम भाजन यश्च आपत्सुन मुह्यति। आपके अंदर क्रोध भी आ जाए तो भी उसको दूसरों को पता न चलने दीजिए, अंदर अंदर शमन कर लीजिए। अगर किसी को पता चल गया कि ये नाराज हो गए हैं तो याद रखना उससे तुम्हारा ग्राफ गिरता है। लोग तुमको हल्का समझेंगे, लोग समझेंगे बहुत छिछला आदमी है, इसके अंदर जरा भी सहन शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बात में तुनक जाता है, इस आदमी को कहाँ तक हम संभालेंगे, अरे भैया इससे दूर रहो तभी ठीक है। ये नाराज किसी से अगर हैं आप तो 24 घंटे में उस नाराजगी को खत्म कर लीजिए और उस नाराजगी को दूसरों को एहसास मत होने दीजिए, अंदर अंदर उसको शमन कर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने भी ये बात कही है, शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षण काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता स सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं मनुष्य के अंदर जो क्रोध उठता है, क्रोध, ये क्रोध साधारण चीज नहीं है। आप अपने घर में देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, राजनीति में देख लो, जहां देखो वहां ये क्रोध बहुत खतरनाक काम कर रहा है। क्रोध में एक नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है, इस पार्टी से भी उसकी क्रेडिट खराब हो गई, और जिस दूसरी पार्टी में गया तो वो भी समझ गए जिस पार्टी में 20 साल रहा था उसको तो लात मार कर आ गया, यहाँ निंदा कर रहा उसकी, अब मेरी पार्टी में सिलेक्ट हुआ है तो ये नालायक एक दिन यहाँ तुनक जाएगा तो फिर भाग जाएगा, तो वो तुमको रास्ता ही नहीं देंगे आगे बढ़ने का, तुम कहाँ नाराज हो रहे हो। इसलिए जिस पार्टी में हो लगे रहो, लगे रहो, कभी चांस मिल जाएगा, उलझो मत इधर उधर। और पार्टी के हाई कमान के ऊपर क्रोध मत करो, उनको राम राम करते रहो, जय श्री राम जय सिया राम बोलते रहो, नमस्कार। क्रोध के साथ में भी विवेक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अपशब्द नहीं निकालता है, गुस्सा आने पर भी जो व्यक्ति अपने मुखमंडल के ऊपर गुस्सा की झलक नहीं आने देता है, और गुस्सा आने पर भी गुस्सा में कोई रिएक्शन नहीं करता है, और गुस्सा आने पर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है, और गुस्सा आने पर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होता है, और गुस्सा आने पर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से वफादारी से निभाता है, और धीरे धीरे अपनी गुस्सा को खत्म कर लेता है और सहनशीलता को बढ़ा लेता है, वही व्यक्ति धरती का सबसे बड़ा देवी देवता होता है। कितने लोग छोटी छोटी बात में माँ बाप से उलझ गए, भाग गए कहीं दूसरी जगह। इंदौर में मैं एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया तो उन्होंने कहा मेरा बेटा बहू कहीं भाग गया है, तो हमने कहा दोनों भाग गए, बोले दोनों निकल गए। तो उस बेटे के बाप ने कहा कि मेरी वाइफ का स्वभाव थोड़ा तेज है, तो मैं तो कुछ बोला नहीं, तो उनकी वाइफ ने कहा कि तेज क्या है, ये सब बहुत गलत काम करते तो तेज होना ही पड़ता। तो हमने कहा भाग गए तो दुखी क्यों, बोले दुखी इसलिए हैं कि उनसे मोह छूटा नहीं। तो हमने कहा जब वे तुमको छोड़कर चले गए, उन्होंने तुम्हारा मोह तोड़ दिया, तो तुम क्यों नहीं तोड़ पा रही, तुम उनसे पहले तोड़ दो, चटपट खट झट। तो बोले अंदर से मोह आता है, हम रोती हैं। तो हमने कहा जब अंदर से मोह टूटता नहीं है तो इतना तेज होना भी नहीं चाहिए, फिर थोड़ा सहन शक्ति रखो। परिणामदर्शी बुद्धि से काम कीजिए, किस बात का क्या परिणाम आ सकता है, आपके किस कार्य का क्या परिणाम हो सकता है,
पिता के साथ में दुर्व्यवहार करोगे दो चार साल में दुष्परिणाम आने वाला है। माँ के साथ में गलतियां करोगे आपके लिए बहुत बुरा परिणाम आने वाला है। पत्नी को बहुत ज्यादा सताओगे दो चार साल में रिजल्ट आने वाला है जिसको झेल नहीं पाओगे। पत्नी की बात बिल्कुल नहीं सुनोगे तो कोर्ट में तुम्हें जज की बात सुनना पड़ेगा, फिर रिजल्ट आने वाला है, सावधान। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया, बहुत बड़े आदमी थे वो, चार चार हजार मकान बनाकर बेचते हैं। अब बड़े हो चाहे छोटे हो, हमको तो जो बुलाता हम चले जाते हैं। अब चार हजार मकान बेचो चाहे एक भी ना बेचो, लेकिन हम आ जाएंगे। तो मैं गया तो उनकी वाइफ ने कहा जरा इनको समझा दीजिए। तो मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया, इतना प्रपंच करने का टाइम भी नहीं, तो हम चले आए। दो साल बाद फिर मिली तो बोली इनको समझा दीजिए। तो हमने सोचा मैटर है क्या, मैटर ऐसा था जो हमसे कह भी नहीं सकते, फिर भी मैं कुछ उसमें ज्यादा नहीं कर सका, साधारण समझाया। पांच साल के बाद रिजल्ट आ गया, उनकी पत्नी ने उन पर कोर्ट केस लगा दिया, घर छोड़कर मायके चली गई, झगड़ा शुरू हो गया। उसका पति भी बड़ा खिलाड़ी था, मुझको फोन किया छह महीने झगड़े के बाद, सब हो गया कि गुरुदेव पधरौनी चलना है आपको एक जगह, हमको पता भी नहीं। पधरौनी लेकर गया ससुराल में, वहां जब मैं पहुंचा तब उसका साला उसको मारने दौड़ा झापड़ लेकर, कि मारूंगा साले को, ऐसे बोला। तो मैंने कहा साला तू है कि साला ये है, बोले अभी तक मैं था अब ये साला। और ससुर भी झापड़ उठाकर दौड़ा कि मारूंगा दमाद को। चार चार हजार मकान बनाकर बेचने वाले पर ससुर और साले झापड़ उठा रहे, उसकी पत्नी वहां बैठी देख रही। तो मैं उठकर खड़ा हुआ, हमने कहा यार हमारे सामने अगर मार दिया तो वो ये तो बहुत गलत जगह ले आए बिना बताए। तो मैंने संतों से कहा तुम बाहर हो जाओ, जो कुछ मार कूट हो हमारे सामने हो, लेकिन तुम बाहर हो जाओ। मंडली को बाहर किया, ठंडा किया बड़ी मुश्किल से, एक घंटे समझाया, ज्ञान दिया, मामला साइलेंट हुआ। उस दिन पहली बार उसने 3100 रुपया दान दिया, नहीं तो बस थोड़े दान देता था, अगर वो साला लोग झापड़ ना उठाते तो वो भी नहीं मिलता। वो मिला, बड़ी दूर तक विदा करने आया। मैटर तब वहां खुला, मैटर क्या मैटर था, वो पेट्रोल पंप का मालिक भी था, अपनी पेट्रोल पंप से 3 लीटर पेट्रोल चुरा कर एक मुस्लिम लड़की के घर देने जाता था, उस मुस्लिम लड़की को अपने यहां सर्विस में रखा था और उसके साथ में गलत संबंध कर लिया, और पत्नी इस बात का विरोध करती थी, मानता नहीं था। तो मायके जाकर कोर्ट केस कर दिया, दिमाग ठिकाने आ गया। फिर बहुत मुश्किल से मैंने कहा उस लड़की को नौकरी से छुट्टी दो, जो तुम्हारा मैनेजर है उसको नौकरी से निकालो, और जितने इस सर्कुलेशन में जुड़े हैं उनको सबको गेट आउट करो, अन्यथा आपकी दुर्दशा होगी सलाखों के पीछे, ये समझ लेना। तो खैर उसके समझ में आ गया तो सब ठीक हो गया। जिस महिला के साथ तुम विवाह करते हो उसको धोखा दे करके दूसरी महिला से कृपया संबंध मत कीजिए। सभी महिलाओं को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, माँ बहन बेटी का दर्शन दूसरी महिलाओं में कीजिए, मन को पवित्र रखिए। उलझन वाला काम क्यों मचा रहे हो, क्योंकि आपकी वाइफ ने अपने माता पिता भाई बहन सखी सहेली को त्याग करके तुम्हारे लिए वो पति चुन करके वो आई है, तो कम से कम तुम भी थोड़ा सा संयम से रहो। मांस मछली अंडा नशा शराब मत लीजिए, दारू पी करके अपनी वाइफ को गाली मत दीजिए, घर की उन्नति कीजिए, उनके रहने के लिए अच्छा रूम बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, चलने के लिए अच्छी गाड़ी लाइए। ये दारू पी पी कर पान तमाकू पुड़िया खा खा कर पैसा बर्बाद मत कीजिए।